हाय एवरीवन, मेरा नाम है भावेश राय। आज हम बात करेंगे उन YouTube इंडिया एड के बारे में जिनको देखने के बाद मेरा मन और भी शांत हो जाता है। मतलब कौन सी चरम सुख की प्राप्ति होती है वो वीडियो कॉल ऐप से। ये बिल्कुल झूठ से परे होते हैं, ये प्रतिबिंब की तरह बिल्कुल साफ होते हैं, जो होता है वही दिखाया जाता है। बहुत ही संस्कारी जगह है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बेल आइकन दबाएं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। भंड क्रिएटरों ने एक नया तरीका निकाल लिया YouTube को स्पैम करने का। तो एक बार इनके क्रिंज पे गौर फरमाते हैं। वैसे क्रिंज का कॉपीराइट तो TikTok के पास है ना। क्रिंज का पर्यायवाची शब्द एक होप से मिले नहीं, क्रिंज तो हर जगह है, लेकिन YouTube की खूबसूरती है कि वो मस्त बिल्कुल उसे छुपा उपा के रखता है। बिल्कुल, मतलब जब तक आप उसे ढूंढोगे नहीं तब तक वो आपके सामने प्रकट नहीं होगा। लेकिन कुछ महान क्रिएटरों ने इसका भी एक हैक निकाल लिया, सिंपली उसे प्रमोट कर देते हैं। वीडियो देखो और पैसे कमाओ, ना मिले तो गाली देना। वाह, मतलब क्या ही स्कीम है ये। फ्री के माल के लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। इस आत्मा को कोई ये बताए कि TikTok बंद हो चुका है और ये क्या लिखा है इसने, ना मिले तो अबे गाली कहां लिखू। 4000 सब्सक्राइबर इन वन डे, लाइव प्रूफ। इतनी मेहनत तो बेकार में कर रहे हैं, सिंपली बस यही जाओ और बस सारे सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन बिल्कुल 60 घंटे में ऑन कर लो। अबे बल्बासौर, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा कि इसका फेस एक प्लेट है और उसके ऊपर जला हुआ मोमो रखा हुआ है। अबे ओ भाई ऐड वाले, तुम यार थोड़ा खाना वाना खाओ यार, थोड़ा सा मतलब शरीर पे लगाओ, ये जो यूट्यूब ऐड पे तुम पैसा फूंक रहे हो। और दुख की बात ये है कि ऐसे कुल है, ऐसे तो कुछ दिनों में यहाँ पर पॉर्न टाइप वीडियोस प्रमोट होने लगेंगी। वाह, मतलब ये लॉजिक भी बहुत सही है। आप ये चीजें डाल नहीं सकते, लेकिन आप प्रमोट धड़ल्ले से कर सकते हैं उन सब चीजों को। कोई सेंस है इस बात की, YouTube ऐड के लिए है। वैसे इससे ये बात भी साफ है कि लॉकडाउन का असर YouTube के जो एम्प्लॉयज हैं उन पर भी बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि इन एड्स को अप्रूवल देना तूफानी करने जैसा ही है। इतनी सारी बकवास एड देखने के बाद मुझे रोज चैनल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ताकि मैं और भर के बोल सकूं, दिल की भरास थोड़ी कम हो जाए। वैसे अब बात करते हैं इनसे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहली चीज है, आप YouTube इंडिया को बताएं कि ये सारी इश्यूज आ रहे हैं। ट्विटर पे जैसे पोस्ट कर सकते हो, रीट्वीट कर सकते हो अगर कोई क्रिएटर इस चीज के बारे में आवाज उठाता है, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन है, YouTube का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय कर लो, वहां पर ऐसे कोई एड्स देखने को मिलेंगे। तीसरा, जब भी वो एड्स आपके सामने कभी आते हैं तो सिंपली वहां पर जाना है मेन्यू आइकन पे और सिंपली करना है स्टॉप सीइंग दिस एड, इनएप्रोप्राइट कर देना। यहाँ पर एक पल के लिए वो एड तो गायब हो जाएगी, लेकिन उससे जो रिलेवेंट एड्स होंगे ना वो आपके पास जरूर आएंगे। आप इसी ट्रिक की मदद से कोई ऐसी एड भी स्किप कर सकते हो जो बहुत लंबी हो और आपके पास मान लो स्किप एड का ऑप्शन नहीं आ रहा। सिंपली आपको डॉट आइकन पर जाना है और सिंपली वहां पर जाके इरेलेवेंट करके ओके कर देना, तुरंत आपकी वीडियो लोड हो जाएगी। शार्प हैक। अगर करंट की बात करें तो हर 5 वीडियो के बाद आपको एक ऐसी एड देखने को मिलेगी, और मोस्टली आउट ऑफ 5 3 एड सबसे बकवास है। और लगभग मैं कल से स्टॉप सीइंग दिस एड कर रहा हूं, तो आज जाके थोड़ी राहत है, एटलीस्ट मुझे 5 में से 1-2 ही वो बकवास एड देखने को मिलती है। तो दिस थिंग इज वर्किंग लिटिल बिट। ऐसे बकवास ऐड आने के बाद जब YouTube इंडिया को कांटेक्ट किया गया तो वहां से रिक्वेस्ट आती है कि आपने जो ऐड पर्सनलाइजेशन होती है ना उसको आपने ऑफ कर रखा है। तो मतलब जितनी भी एड्स आ रही हैं, जो भी रन कर रहा है वो लोकेशन वाइज रन कर रहा है, और मेरा पर्सनलाइजेशन ऑन है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं ओपो नेटफ्लिक्स के ऐड देख लूंगा, बेटर देन दिस। एक बहुत कूल चीज दिखाता हूँ, कसम से मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कोई इस चीज पर भी पॉइंट करेगा, और बिल्कुल 4 लोगों ने गौर फरमाया, तो सैल्यूट टू देम। मतलब मेहनत सफल हो गई यार, कमेंट देख क्या कतीली आंख से पाई है यार आप लोगों ने। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, शायद इसका सेकंड पार्ट ला सकते हैं। तो अगर आपके कुछ हैं दिली ख्वाहिश, और आप लोग भी कमेंट कर देना आपके YouTube ऐप के अंदर भी ऐसे बवाल एड्स देखने को मिलते हैं क्या, और साथ में रीजन भी मेंशन करना। मेरे तो एड्स दिखा दिए मैंने और रीजन है बैंगलोर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्ते।